Did you know there are over 200 million orphans worldwide? Every day, 5760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit icnareliefcanada.ca for details and to donate. Icna Relief Canada, serving humanity since 1997. असल नाजरीन आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी जालिकल किताब के प्रोग्राम के साथ हाज़िर है आज हटे सिपारे की तफसीर आपके सामने पेश करेंगे ला हिब्बुल्लाहु और जावेद असलम साहब इंशाल्लाह ताला इसके जो अहम बुनियादी तकासिर के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको आपके सामने रखेंगे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे होंगे और मुसलसल जो है इस प्रोग्राम के जरिए आपकी तरावियों आपको समझने में मदद मिल रही होगी तो आइए जावेद असलम साहब से हम प्रोग्राम सुनते हैं الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين معزز ناظرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آج الله هم कुर मजदीद के छठे पारे से कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे ये ये पारा ला युहबुल्ला के लफ़ से इसका आगाज़ हो रहा है और इसी नाम से ये मौसम है इसके अंदर हम सुर निसा की जो बाकी उनतीस आयात हैं उनमें से चंद चीज़ों का मताल करेंगे और फिर सराह माह की इस इस पारे में बयासी आयात हैं कि जिनमें से चंद अहम चीज़ों को और अहम मजामी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस पारे के बिल्कुल शुरू में ही अल्लाह ताला ने बनी इसराइल यानी वो उम्मत मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद थी उससे खिताब फरमाया है और फिर उनके वही जो जराइम थे उनका अदा किया गया यानि उनके सबसे बड़े जराइम क्या थे कतले अम्बिया अम्बिया को कतल करना और फिर अम्बिया के माबे एक तफरीकना किसी नबी को मान लिया किसी को ना माना किसी को कत्ल कर दिया और इसी तरह की उनकी रविश रही है उनकी पूरी हिस्ट्री के अंदर और फिर उनका एक जो सबसे इसे समझना चाहिए कि जो सबसे गलत किस्म का दावा था कि हमने हजरत सलाम को सूली पर चढ़ा दिया उसकी पुरजोर नफ़ी कर रहे हैं अल्लाह ताला इस इस खास तौर पर इस हिस्से के अंदर और अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली बयान फरमाया और उनका कौल क्या था वह कौल इन्ना नसीहा मसीहा ई मसीहा सब न मरियम रसूल अल्लाह उनका कौल यह था कि हमने मसीह सलाम ईसा को कत्ल कर दिया जो कि अल्लाह के रसूल थे कुरान मजीद उसकी नफी इतनी शदीद तरह से कर रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वमा कतलऊ हो इन्होंने हरगिज कत्ल नहीं किया उनको ईसा को वमा सलाबू हो क्योंकि उनका दावा यह था कि उन्होंने ईसा आसमाम को सलीब यानी सूली पर चढ़ा दिया अल्लाह ताला उसका नफ़ी फरमा रहा है कि इन्होंने हरगिज उनको कत्ल नहीं किया ना कत्ल किया गया और ना ही उनको सूली पर चढ़ाया गया वला शुभ बालू यह सारा मामला जो हुआ था हजरत ईसा के साथ अल्लाह लिए इसको बिल्कुल शुबे में डाल दिया यानी उनको ख़ुद पता नहीं लगा कि ये सारा मामला क्या हुआ लेकिन जिस पुरज़ोर अंदाज से अल्लाह ताला ने उसकी नफी फरमाई है कि ये बिल्कुल उनका ये जो दावा है ये बिल्कुल गलत है एक वही मजमून जो बहुत अहम मज़मून जिसका हमने पिछले पारे में भी जिसका मतलब किया था और जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी तफसील आपके सामने गुजारिशात में रखी थी कि ख़ास तौर पर ये जो शहादत अलंदास कि अल्लाह ताला ने अम्बिया और रसूलों को क्यों मबूस फरमाया इस दुनिया में उनके भेजने की गर्ज वायत क्या थी ये जो नबूत और इसालत का सिलसिला है इससे अल्लाह ताला का मकसद क्या था उसके लिए नहायत ही खूबसूरत आयत है और अल्लाह ताला ने उसमें वही मकसद बयान फरमाया रूसलम मुबरीन व मुंजरीन अब हर नबी और हर रसूल का बुनियादी तौर पर उनकी दो रिस्पांसिबिलिटी दो जिम्मेदारियां होती थी वो क्या थी कि मुबशरीन जो हर रसूल अपनी कौम की तरफ आया उसने बिशारत दी कि अगर तुम अच्छे काम करोगे अल्लाह का कहा मानोगे रसूल का कहा मानोगे तो तुम्हारे लिए बिशारत है तुम्हें अल्लाह ताला उसका बहुत बेहतरीन अजर देगा और उसका और हर नबी और हर रसूल का दूसरा रोल क्या होता था वह मुंजरीन वो खबरदार करते थे कि अगर अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल नहीं किया गया तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है बहुत दर्दनाक अंजाम होगा तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल्स थे जो हर रसूल ने गोया के अदा किए इस दुनिया के अंदर रसुलम मुबशरीन व मुंजरीन और आगे अल्लाह तयान फरमायी ना बदर रसुल के रसुलों के चले जाने के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे उनके जो मुतबइन थे उनके पास किसी किस्म की हजत अल्लाह के खिलाफ ना रहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि अल्लाह क्या चाहता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जिम्मेदारी तमाम रसूलों ने अदा की कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और फिर जब रसूल इस दुनिया से चले जाते थे तो अब नौ इंसानी के पास या उन नुमतों के पास किसी किस्म की कोई हजत कोई दलील कोई कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाती थी कि अल्लाह हम तो जानते नहीं थे कि तू चाहता क्या है वकान अल्लाह अजीज हकीम और अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त है और हमत वाला है देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को हर तरह की सलाहियतें देकर भेजा अल्लाह ने इंसान को समाज दी बसारत दी अकल दी नेकी और बदी का शूर दिया इंसान इनकेपेबिलिटीज इन फैकल्टीज के, के, के बुनियाद पर भी मसूल है अल्लाह ताला ने चूंकि सारी चीज़ें दी हैं इंसान अब अकल से काम ले अल्लाह अगर, अगर बसीरत से काम ले और अगर अपने इर्द गिर्द देखे तो वो अल्लाह की तौहीद को और अल्लाह की अल्लाह की वाहदानियत तक पहुंच सकता है लेकिन ये अल्लाह ताला का एहसान है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद अल्लाह वो एक रसूलों का और अंबिया का सिलसिला भी जारी कर दिया कि वो इंसान को पूरी तरह से हिदायत और गाइड कर सकें ताकि उनके पास जैसे मैंने पहले किया कि उनके पास किसी किस्म को उजर नहीं रहना चाहिए कि वो ये ना समझ सकें कि अल्लाह ताला की मशीयत क्या है अल्लाह ताला की रजा क्या है तो जो भी रसूल और अम्बिया आए उन्होंने आके बताया और वो वो अपना पैगाम देकर इस दुनिया से चले गए उसके बाद उनके पास किसी किस्म की अब कोई दलील कोई हजरत नहीं है और फिर जो आखिरी चीज इस मामले में जो बयान फरमाई फरमाई गई और जो सबसे बड़ी दलील इस सूर्य मुबारक का आखिरी आयत आयत नंबर एक सौ छिहत्तर में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा दिया या योन्नास कि ए लोगो कब जाम बुरहान रब अब तुम्हारे पास बुरहान आ गई है और हमारे मुफसरीन ने बुरहान के बारे में लिखा है कि बुरहान नबी अक्रम अलैहि वसल्लम और कुरान को अगर मिला दिया जाए तो ये बुरहान है उसकी वजह क्या है कि कुरान और नबी अक्रम अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में कोई फर्क नहीं था काना कुरान अगर कुरान एक आप ये समझ लीजिए कि एक लफ्जी ताला की तरफ से वही थी तो उसकी प्रैक्टिकल शक्ल नबी अक्रमल्लम कीबारक थी तो ये दोनों मिलकर बुरहान बने थे तो अल्लाह तरमा कुम नूरम मुबीना और हमने नाजिल कर दिया हैबीना एक बिल्कुल वाज नूर यानी कुरान मजीद की आयात बिल्कुल वाजह है अब हमारे पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं है क्योंकि कुरान मजीद के आ जाने के बाद हमारे पास इस किस्म की दलील नहीं रह जाती कि हमें यह ना पता हो और फिर नबी अक्रम सलीसम की जो सीरा मुबारक है उसके बाद हमारे पास किसी किस्म का कोई उजर नहीं है कि हम ये नहीं जान जान सके कि अल्लाह की शरीय क्या है अल्लाह के अहकाम क्या हैं इस पारे में जो अगली सूर्य मुबारक आ रही है सूर्य माहा कि जिसकी बयासी आयात जो है इस इस पारे के अंदर आई हैं वैसे तो ये जो सूर्य माहा है जो तरतीब नजूली के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये नबी अक्म सल्लम की सर मुबारक में बिल्कुल आखिरी दौर की सूर है जो कि बिल्कुल नबी अकमल वसलम के आखिरी मक्की दौर के अंदर नाजिल हुई लेकिन कुरान मजीद में इसको जो शुरू में शामिल किया गया है और इस इस सूर्य मुबारक की जो ख़ास अहमियत है उस, उसके अंदर अल्लाह तुबी शरी शरीत के अहकाम दिए उसके अंदर जो तकनीली अहकाम थे कि जो तदरीजन बढ़ रहे थे उनको अल्लाह ताला ने गोया के बिल्कुल आखिरी शक्ल उन अहकाम की क्या थी इस सुरह मुबारक में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको बयान फरमाया और जैसे कि इस, इसी सुरह मुबारक के बिल्कुल आगाज़ में ताला ने बयान फरमा दिया कि अलयम अकमल तो नती व रजीतकुमसम दीना और कहते हैं कि ये जो आया मुबारक थी ये हजतल के मौक़ पर यह नाजिल हुई थी कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया वह अतम तोम नती और मैंने अपनी नेमत का इतमाम कर दिया यानी मैंने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया तुम्हारे पे, वह रजीतल इस्लाम दीना और मैं राजी हो गया तुम्हारे लिए जो दीन है अब वो इस्लाम है जिसके लिए मैं जो जो तुम्हारे लिए चुना गया वही है, है जिससे मैं राजी होंगे ईश्वर मुबारक का देखिए आगाज हो रहा है वही अल्लाह ताली बयान फरमा रहा है या यु लजी आ मनु या यजी आम मनु औु बिल्कूत खास तौर पर अल्लाह तला यहां पर बयान फरमा रहा है कि खाने पीने के मामला हलाल हराम क्या है क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी और फिर वो जितने भी जो माशरे के अंदर जो अहम मामला थे उनके बारे में अल्लाह तला ने अहकाम दिए चोरी की सजा है चोर के हाथ काट दिए जाए असारे को वसारे का तो फाऊ आई दिया हुमा जो भी कोई चोरी करे असल में मकसद क्या है अल्लाह ताला का कि एक पाक और एक साफ मुआर अल्लाह तयम फरमाना चाहता है उसके अंदर चोरी की सज़ा क्या रखी गई कि इन दोनों के हाथ काट दिए जाए ये बाहर हमें लगता है कि शायद ये बहुत कोई सख्त किस्म की सजा है लेकिन अल्लाह ताला असल में जो चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ मतलूब है वो ये है कि माशरे को इन सारी चीज़ों से बचाया जाए जाहिर है कि इस किस्म की जो भी सजा होगी उसको देख कर कोई कोशिश नहीं करेगा कि चोरी की जाए फिर इसी तरह कतले ना हक है फितना और फसाद है उसकी सजा रखी गई राहजनी है डाका है इन सारी चीज़ों की सजा अल्लाह ताला ने इस इस तूरह मुबारक सुरह मायदा में गो के बयान फरमा दी ताकि जैसे मैंने किया कि माशरे के अंदर पूरे तौर पर अमन व अमान रहे फिर वही मजमून एक बहुत अहम मजमून जो इस, इस सूर्य मुबारक बिल्कुल आगाज में ही आया और इसी किस्म की सूर मुबारका इसी यही आयत इसी से मिलती जुलती आए सूर्य नई किस्त अल्लाह तरमा रहा है कि अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले बन जाओ यानी तुम्हारा रोल ये होना चाहिए कि तुमने हर सूरत में अदल करना है इंसाफ का दामन इंसान को हाथ से नहीं छोड़ना और यह इंसाफ के लिए खड़ा होना उसके लिए रास्ते के लिए खड़ा होना ये किसके लिए अल्लाह के लिए अल्लाह अल्ला ताला फरमा रहा है कि इस अदल के रास्ते के अंदर तुम्हें किसी किसी किस्म का को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए और कोई चीज माने नहीं होनी चाहिए वला यजरी मन नकुम शनान कौमिन किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस चीज पर मजबूर ना करे अल्लाह तादिलू कि तुम अदल ना करो होता क्या है कि किसी कौम से अगर दुश्मनी हो और फिर अगर आपको मुनसिफ बना दिया जाए तो वो उस दुश्मनी की बुनियाद पर आप कोशिश करते हैं कि उस कौम के खिलाफ फैसला दिया जाए लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि चाहे तुम्हारे सामने वो कौम हो कि जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी है लेकिन अगर तुम्हें हकम बनाया जाएगा तो फिर तुमने क्या करना है ए फिर तुम क्या करो कि उनके साथ भी अदल के साथ काम करो काम लो हुआ अकबर हुआ अक कर क्योंकि ये तकरे से ज्यादा करीब है यही अब देखिए ये फैसले का जहां तक मामला आया अल्लाह ताला ने जो अपनी किताबें नाजर फरमाई तौरात आई अंजील आई उस पर अल्लाह हिदायत भी रखी थी नूर भी रखा था और अल्लाह ताला ने साथ ये भी बयान कर दिया था कि इन किताबों को नाजिल करने का मकसद ये है कि इन किताबों में जो तालीमात दी गई हैं उनके मुताबिक तुम्हारे तमाम मामलत के फैसले किए जाएं अगर इन किताबों में इन इल्हामी किताबों के अंदर जो भी तालीमत और जो भी अहकाम हैं अगर उन पर अमल नहीं हो रहा तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत बहुत तदीद वईद नाजिल फरमाई कि अगर तुम वो चीजें कि जो इस इन इल्हामी किताबों में बयान की गई हैं अगर तुम उन पर अमल नहीं करोगे की मरतबा अल्लाह तरह के अल्फाज बयान फरमाए मलम यहमा जल्ला अगर तुम फैसला नहीं करते उन उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है वह मल्लम यह मल्लम फउलाय कामुल का कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमाई है अगर उसके मुताबिक फैसले नहीं हो नहीं हो रहे तो वो कौन है फ उलाय का हुमल का ऐसे लोग कौन है कि जो काफिर हैं जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं फिर बिल्कुल उसी तरह ही फरमायानजा उमल कल तो असल चीज़ अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ने जो किताबें दी इल्हामी किताबें हैं तौरात थी अंजील थी इसी तरह कुरान मजीद है कि अगर कुर मजीद में जो भी अहकाम दिए गए हैं अगर उनके मुताबिक फैसले नहीं हो रहे तो फिर हम जाहिर रहे हैं कि फिर इन्हीं कैटेगरी में आ जाएंगे फिर हम भी जालिम हैं, फिर हम भी फासिक हैं क्योंकि हमारा ईमान है कि ये जो अल्लाह ताला ने नामा हमारे लिए नाजिल फरमाया है हमारे जितने भी फैसले होने चाहिए वो इसकी तालीमत और इसके अहकाम के मुताबिक होने चाहिए और अगर हम सिर्फ मान लें और उसके ऊपर उनके अहकाम पर अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर जाहिर है कि अल्लाह ताला की वही जो हमारे सामने आई है कि वह मल्लम युम बिमाजल्लामुल का काफ़िरून ये खिताब तो यकीनन अहल किताब से है लेकिन जाहरी बात है कि जैसे अल्लाह तक आगे भी फरमायाब तुम अलाशाइन कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है अब ये अल्लाह ताला अहले किताब से बयान फरमा रहा है कि अगर तुम इन अहकाम को इनके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे तो तुम लस्त अला शहीन तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है जब तक तुम इस, इस तालीम को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे नाफिज नहीं कर रहे तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है अब देखिए यही मामला हमारे साथ है अल्लाह अगर इनको अल्लाह तहल किताब फरमा रहा है तो हमें नबी अक्रमली वल्लम ने कुरान फरमाया है तो हमारा तर्ज अमल कुरान मजीद के साथ भी ये होना चाहिए कि हम उसको पढ़ें उसको समझें उसको अपनी जिंदगी में उसको नाफिज करें यही वो चीज़ है कि जिसको नबी अक्रमली वसलम ने फरमाया और वही खिताब नबी अक्रम सल्हसम ने इस उम्मत को दिया है अल्लाह ने फरमाया या किताब अला तरमायाब लात लेकिन नबी नबीकम ने फरमाया या फरमायाहन कुरान ला तात तवसदुल कुरान देखो कुरान को तकिया ना बना लेना इसको सिर्फ जहनी सिर्फ एक दूसरे से मनाजरे करने के लिए इस्तेमाल मत करना कि या इसको तकिया बना लेना कि ठीक है मान लिया इतना ही काफी है अल्लाह ताला तो माफ बड़ा गफुरु रहीम है माफ़ कर देगा शफ़ात हो जाएगी नबी एक्रम सफरमा है कि इसको ला तवसदुल कुरान इसको तकिया ना बना लेना बतलू हक तिलावत ही इसकी तलावत करो कि जैसे तलावत करने का हक है मिन आला, मिन आना इन वन, वन नहार दिन और रात के वक्त इसकी तलावत करो व तगन्न हो इसको अपनी आवाजों से मुजय करो जितनी खुश इलहानी से तुम इसको पढ़ सकते हो इसको इसकी तलावत किया करो व अफशो हो फिर इसको फैलाओ इसको आम करो इसकी तालीमात को दूसरे लोगों तक तक पहुंचाओ और साथ ही नबी ने फरमाया वह वह तदब्बरूफी इस गौर व फिक्र भी करो यही नहीं कि सिर्फ इसको तलावत कर लिया जाए बल्कि इस पर गौर फिक्र किया जाए इसको फैलाया जाए उसको समझा जाए ताकि तुम फला फलाबन मिनहमन बार फिलकुर व नफ़ाक बिलायात विक्रकीम वरम वक्त नाजिन उम्मीद है कि आज छठे सिपारे की जो तफसीर है आप तक पहुँची होगी और आज आप जब शाम को रमज़ान आप तरावी के लिए खड़े होंगे तो ये तफसीर जो है आपको याद दिलाएगी जब जब हमारे जो कारी हज़रा हैं जब वो कुरान पढ़ रहे होंगे तो इन शाह ताली ये तसर आपके लिए मददगार होगी और आपके दिलों में जो है वो जो पैगाम अल्लाह का है वो दिलों में उतरेगा और और उसके ज़रिए जो है हम अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करेंगे कल इन श्ला सातवें सिपारे की तफसीर के साथ हाज़िर होंगे उस वक्त की इजाज़त दीजिए असल वरम्हि वरक